आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य स्वागत। अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि शिव अवतारी महायोगी बाबा गोरखनाथ जी की पावन धरा गोरखपुर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लाल टोपी वाले यूपी के लिए है रेड अलर्ट, इन्हें है लाल बत्ती से मतलब। फर्टिलाइजर के लोकार्पण कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा घोटाला करने के लिए इन्हें चाहिए सत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कारखाना एम्स ICMR लैब सहित 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण, कहा खाद कारखाने से किसानों को होगी निर्बाध उर्वरक की आपूर्ति, एम्स से स्वास्थ्य सुविधाओं का मिलेगा लाभ, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की फरियाद, संबंधित अधिकारियों को दिया निस्तारण के आदेश, कहा किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। जनपद आगमन पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा नई शिक्षा नीति से पढ़ाई के साथ ही हो सकेगा रोजगार का सृजन, खाद कारखाने और एम्स के लोकार्पण से होगा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा खाद कारखाने से लाखों किसानों को उर्वरक की समस्या से मिलेगी निजात, काशी मथुरा अयोध्या है प्रमुख तीर्थ स्थल, होनी चाहिए इस पर चर्चा। फर्टिलाइजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मुड़ा जन सैलाब, रैली समाप्त होने के बाद भी लोग पहुंचे रैली स्थल पर, मोदी योगी के नारे से किया अपने नेता का भव्य स्वागत, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। जल्द ही महानगर की सड़कों पर फर्राटा भरेंगे इलेक्ट्रिक बसें, तैयारियां पूरी, लोगों को सस्ते दर में सुविधाजनक यात्रा करने की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा डॉक्टर दिनेश शर्मा व वन मंत्री दारा सिंह चौहान। रैली के समापन के पश्चात पहुंचे नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के आवास, विधायक की बिटिया की शादी में शरीक नहीं हो पाने का खेद व्यक्त करते हुए दिया उपहार, नगर विधायक की पत्नी ने किया खुशी का इजहार। और मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 255 केंद्रों पर कुल 27,561 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,741 और सेकेंड डोज लेने वालों में 20,820 लोग रहे शामिल। एडिशनल CMO ने कहा फर्स्ट डोज लेने के बाद अवश्य लगवाएं कोरोना का सेकेंड डोज, रहें सुरक्षित।